उज्जैन केंद्रीय भैरवगढ़ जेल के कैदियों के मानसिक स्तर और उनकी जीवन शैली को सुधारने के लिए अब संगीत का सहारा लिया जा रहा है, जहां कैदी एक महीने की संगीत की शिक्षा लेने के बाद अब जेल के सभागृह में ऐसा देशभक्ति गीत गा रहे हैं जैसे वे कई सालों से संगीत की शिक्षा ले रहे हों। उज्जैन केंद्रीय भैरवगढ़ जेल के अधीक्षक अलका सोनकर वैसे तो कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, लेकिन उनकी देखरेख में अब जेल के करीब 20 से अधिक बंदी रोजाना संगीत की शिक्षा ले रहे हैं। दरअसल जेल अधीक्षिका अलका सोनकर का मानना है कि संगीत के माध्यम से कैदियों को थेरेपी भी दी जा रही है, इससे तनाव दूर होता है और हम यही चाहते हैं कि कैदी जेल के तनाव से दूर रहें और ये यहाँ रहकर भी सामान्य जिंदगी बसर करें। अभी पहले स्पेस में 20 बंदी सीख रहे हैं और आगे और भी बंदी जिनकी रुचि है इसमें वो आगे आए और संगीत सीखें। रोजाना सुबह 1 घंटे का संगीत की क्लास होती है जो कि जेल के सभागृह में लगती है। फिलहाल जेल के एक सिपाही राजेश और अधीक्षिका अलका सोनकर ही कैदियों को शिक्षा दे रहे हैं और इनमें इनके साथ देने वाले कुछ ऐसे भी बंदी हैं जो पहले से संगीत का अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं, इनसे भी मदद ली जा रही है। आज ना सिर्फ पुरुष कैदी बल्कि महिला कैदी भी संगीत की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और कैदी दिल दिया है जहाँ भी देंगे गाने सुना रहे हैं, तो वहीं महिला कैदी दिल है छोटा छोटी सी आशा गाने सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कराओके की मदद से गाना गाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अगले फेज में एनजीओ से बात कर कुछ इंस्ट्रूमेंट मंगवा कर वो सब भी सिखाया जाएगा। इधर बंदी भी मान रहे हैं कि संगीत की शिक्षा से अब घर की याद आना कम हो गई है और एक अधिकारियों ने संगीत की शिक्षा देकर जीवन बदलने का काम किया है। यहाँ पे जिन जिन को आता है नहीं भी आता सभी सीखते हैं गाने, जबकि मैं फिल्म प्रोड्यूसर होने के मैं गाना ही सीखा, इन्होंने मेरे हिसाब से करी मैं गाने लग गया। सब अच्छे कहते हैं यहाँ, सब एक से कलाकार है गाने वाले। यहाँ हमारे राज भी आए, ये हमारे लड़िया साहब हैं, बहुत उनको नॉलेज है गाने का, बहुत सिखाते हैं यहाँ चीज़ में। सर जीना आ जाता है, जेल भूल जाते हैं, बस सबसे बड़ा फायदा यही है, भूल जाते हैं सर। आते हैं 2 घंटे आते हैं और 2 दिन चार्ज रहते हैं उसके बाद। ये दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। पिछले कुछ महीनों से हम लोग ने जेल पे एक म्यूज़िक थेरेपी का एक कोर्स चालू किया है। म्यूज़िक थेरेपी मतलब कि संगीत के माध्यम से चिकित्सा, और इसके तहत हमने कुछ बंदियों को ही इसमें सेलेक्ट करके 20 से 25 बंदियों का ग्रुप बनाया जिसमें कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, और उनको संगीत सिखा करके उनके जो मानसिक तनाव हैं और जो छोटे मोटे जिस तरीके से योगा करने से लोगों को स्वास्थ्य लाभ होता है, ऐसे प्राचीन समय से ही संगीत एक थेरेपी रही है। उसके माध्यम से एक प्राचीन सोच को एक नया रूप दे करके हमने एक म्यूज़िक थेरेपी का कोर्स यहाँ शुरू किया था, और आज का दिन हम लोगों ने इसलिए चुना है क्योंकि सोमवार को ईद है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ राखी का भी उपलक्ष्य है, तो उसकी पूर्व संध्या पर उन सीखे हुए बंदियों के द्वारा जो है अपने बंदी भाइयों के लिए कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम ये प्रस्तुत किया जा रहा है।